व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारतीय कंपनीज ने मालदीव्स में अपना बिजनेस बंद किया। पाकिस्तान रहेगा हमेशा सुन। वीडियो देखते हैं पूरी, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीराम जो लिख देना। 1 2 3 गो। हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड। Important breaking news coming in with regards to the calling of the trips to Maldives. We are now learning that a renowned travel agency company EaseMyTrip has suspended all the Maldives flight booking. इस हद तक बढ़ चुका है। इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ authorities officials ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाजिर हैं। वो ये कि ये वो जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है, इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहाँ के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। ट्वीट बल्कि डिलीट किए बाद अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक एम्बैरेसमेंट की। दुनिया ने देखा कि कितने इमेच्योर हैं। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, ये किस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है? इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उदों से जो है वो कैबिनेट से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव पर भारत का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। मालदीव पर आम लोगों के साथ साथ अब भारत की दिग्गज ट्रैवल कंपनियों ने भी अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। देश की बड़ी ट्रैवल कंपनी EaseMyTrip ने मालदीव की अपनी सभी फ्लाइट बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। कंपनी के को फाउंडर और CEO निशांत पिट्टी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी है। निशांत पिट्टी ने कहा है कि देश की एकजुटता में शामिल होते हुए EaseMyTrip ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने तो सोशल मीडिया पर मालदीव की अच्छी क्लास ली है। उन्होंने मालदीव जाने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा है कि मालदीव के प्रमुख नेताओं ने भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियों की यह हैरान करने वाली है। मालदीव एक ऐसा देश है जहाँ भारतीय लोग जाते हैं, हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे भारतीयों ने मालदीव की कुछ ही समय वाट लगा दी और मालदीव पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। के रहना पड़ेगा। अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाजिर हैं। और ये उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जो मालदीव हमारा बरादर मुल्क और नामुनासिब अल्फाज में बात की नहीं, ऐसी ही हो गई वजीरों ने। उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, बवाल हुआ है। बढ़िया, उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो। और उनका एक वजीर, दूसरा वजीर कह रहा है कमरों से बदबू, एक कह रहा है ये कह रहा है वो फालतू बातें। ये वो मालदीव है जो कि ज़ाहिर है कि स्ट्रेटजिक हवालों से बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और जहाँ पे जो गवर्नमेंट आई है वो उन्होंने आते ही कहा है कि इंडियन फौज यहाँ से निकल जाए आते। अब जनाब ये सारा शोर गोगा चलता रहा, उसके बाद जाके ज़ाहिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और उनका सोशल मीडिया भी आ गया कि मालदीव को बाइकआउट करो। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, जब इनकी हेल्प चाहिए थी श्रीलंका के खिलाफ तब तो ये बड़ा अनयूजुअल है कि मालदीव के वज़रा ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया इन इंडिया आउट वो वहाँ तक। लेकिन ये इस तरह से जो है वो बमबारी शुरू हो गई। इंडिया के तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा भी होगा। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उदों से जो है वो कैबिनेट से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। इस हद तक बढ़ चुका है। इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है, पड़ेगा भैया, और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई तो उसके पीछे क्या है, टूरिज्म पे चलता है। आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप पहुंचे हैं। वहां पर आइलैंड में उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल हुई। तेजस में उनको टॉम क्रूज तक से मिलाया गया और फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई, बहुत वायरल हुई। और फिर हमें मेलानी बाकायदा यूं करके नजर आई। हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए अभी भी वो इस तरीके से वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है। जब अवार्ड मिला तो ये बात, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन लक्षद्वीप के हवाले से ये बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है। तो देखिए, भारत का टूरिज्म तो हम पहले ही जानते हैं। हमने आपको ये बताया था कि एक बहुत बड़ी डील जो पहले हुई थी इंडिगो और इंडियन एयरलाइन की, उसके बाद अभी आकाशा एयर उनकी जो है उसने 150 बोइंग जेट्स की एक डील की है बहुत बड़ी। तो टूरिज्म जहाँ और उसकी बात की जाती है पूरे इंडिया में, वहीं पर जो लक्षद्वीप है वो एक ऐसा आइलैंड है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन पिक्चर्स और वीडियोस के पीछे जो मैसेज, ट्वीट भी उन्होंने उसका किया वो ये कि ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है। और अमिताभ बच्चन ने इतनी ब्यूटी है यहाँ पर, उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहाँ के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। लेकिन उस जगह पर जो टूरिज्म अगर बढ़ जाए तो मालदीव्स का क्या होगा? फिर आप जानते हैं कि मालदीव्स भी वहीं पर है और मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो पूरी दुनिया से, वहाँ पर लोग जाते हैं मालदीव्स। तो जो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं तो वो तो फिर लक्षद्वीप जाएंगे, फिर वो मालदीव्स क्यों जाएंगे? और वैसे भी जो इंडिया है वहाँ से भी लाखों लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिज्म के लिए। कितना पैसा? तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है, मालदीव्स को इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहाँ से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहाँ के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहाँ पर नेशनलिज्म भी बहुत ज़्यादा है और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं और वो इस चीज़ को उन्होंने बहुत बुरा बनाया है और बाकायदा अब सोशल मीडिया पर इसके लिए मालदीव्स के खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं। तो इस बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये उनको महंगा पड़ सकता है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स हैज सस्पेंडेड 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स आफ्टर दे मेड डेरोगेटरी कमेंट्स अगेंस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। अब ये जो 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं ये हैं मालशा शरीफ, मरियम शियोना एंड अब्दुल्ला महजूम माजिद। और ये इनकी मिनिस्ट्रीज हैं यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स। मुझे हैरानी इस चीज़ पर हुई कि यूथ एम्पावरमेंट और इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स पर काम करने वाले अगर मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स की ज़ुबान ये है, क्योंकि देखिए मिनिस्टर्स जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उनको डेकोरम का ख्याल होता है। ये तो भैया होना ही था, जो अपने पैर पर जो कहते हैं ना कुल्हाड़ी मारना, वो वाला काम करा इन्होंने, कोई सेंस नहीं थी। जब एक बार बताओ, जब श्रीलंका ने इनके जब श्रीलंका इनके अंदर आ रहा था तब इंडिया ने ही हेल्प करी थी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प करी थी इनकी, तब कुछ नहीं। और अब वो प्रेसिडेंट बदलती है, वापस ले जाओ इनको। अरे भैया बेस बना के वहाँ पर स्ट्रेटेजिकल उस चीज में हेल्प होती है इंडिया की भी और तुम्हारे लिए भी हेल्प होती है। एक गलत लीडर और ले डूबता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी भाषण देने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट पास करने से पहले आपको उसका तर्क वितर्क करना चाहिए कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है। लेकिन वो है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे करें, कर ले फिर कुछ हो रहा है सस्पेंड। अब उनके खिलाफ वो भी आ रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है उनकी सरकार के खिलाफ, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं ये चीज़। और अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है कि एक बार अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया ना तो भैया वो दिमाग में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर देश की बात है और देश से बढ़कर कुछ नहीं है। और इंडियंस में कुछ भी कहो भैया, जहाँ देश की बात आती है एकजुटता क्या होती है, एकजुट होने की बात आती है, तो वहाँ पर इंडियंस को भैया कोई पीछे नहीं कर सकता। और मोदी जी की फैन फॉलोइंग वैसी है और मोदी जी ने बिना बोले भी जो इतना बड़ा वो बोल्ड स्टेप दिखाया ना वहाँ पर जाके लक्षद्वीप में, और भाई मालदीव में अगर जाते जाते वो आइलैंड पे जाते हैं लोग, वही चीज यहाँ पर डेवलप हो जाएगी लक्षद्वीप में। हो गई तो इंडिया के लोगों का पैसा बचेगा, इंडिया के लोग यहीं घूमेंगे, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार फिर वहीं पर जाएंगे और प्रमोशन होगा और इजिली फिर बाहर के लोग भी वहां पर आएंगे। और आज के टाइम पर तो दुआ लिपा भी देख लो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इंडिया घूमना चाहता है भैया, इंडिया घूमने आते हैं। राम मंदिर भी बन रहा है, अब देखो लक्षद्वीप भी डेवलप हो जाए तो टूरिज्म, इससे कहते हैं लोग कहते हैं ना कि कैसे आएगा पैसा इंडिया में, ऐसे आएगा, ऐसे आता है, टूरिज्म से भी आता है। बहुत चीजें होती हैं जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और जो लोग कहते हैं बेरोजगारी, भाई इससे रोजगार भी आएगा, इससे भी एक रोजगार आएगा, एडवेंचर एक्टिविटीज भी होंगी वहाँ पर, हर चीज। उन्होंने बोला ना कि कश्मीर जरूर घूमना चाहिए एक बार, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा है। तो ये होती है दोस्ती और ये होता है एक दूसरे का साथ देना। इजराइल के नेतन्याहू ने भी सपोर्ट दिखाया। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जरूर लिख देना, वीडियो को कर देना लाइक। बाय बाय, टेक केयर।